किया गया है। ये बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। नगर परिषद फुलवारी शरीफ बजट बनाने में सहयोगी सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता है। इस शहरी निकाय की स्थापना अधिसूचित क्षेत्र समिति के रूप में वर्ष 1978 में हुई थी, जो बाद में नगर पंचायत और फिर वर्ष 2007 में नगर परिषद के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में यहाँ 28 वार्ड हैं। नगर परिषद की आमदनी एवं खर्च के आधार पर तथा 2023-24 में होने वाले संभावनाओं के आधार पर आय व्यय का ब्यौरा अंकित किया गया है। बजट निर्माण के पूर्व लेखा अध्यतन कर लिया गया है। नगर परिषद के वित्तीय वर्ष 2018-19 तक का अंकेक्षण हो चुका है। अंकेक्षण में उठाई गई आपत्तियों के निराकरण की कार्रवाई चल रही है। तत्पश्चात आपत्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन लेखा परीक्षक बिहार पटना एवं सरकार को भेज दिए गए। नगर परिषद क्षेत्र के संपत्ति कर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के अनुसार वसूल की जा रही है। वर्तमान में संपत्ति कर की वसूली दर वार्षिक मूल्य का 9% है। नगर परिषद के संपत्ति कर का पुनरीक्षण बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाना है। संपत्ति कर के दर का पुनरीक्षण करके भेजा जाना है। इसके अनुसार संपत्ति कर की वसूली प्रारंभ होने के फलस्वरूप नगर परिषद के आय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोविड-19 के कारण पिछले 2 बजट पीरियड में संपत्ति कर का कलेक्शन प्रभावी रूप से नहीं हो पाया था, जिसको अब प्रभावी निर्णय लेकर ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन को सुनिश्चित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नियमित रूप से रोजाना प्रत्येक वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया जाता रहा। डेंगू से बचाव हेतु भी एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। फॉगिंग का कार्य नियमित रूप से किया जाता रहा, लेकिन नगर परिषद से अपेक्षित कार्यों में ऐसा कोई कार्य नहीं रहा जो नगर परिषद द्वारा नहीं किया गया। पोस्ट ऑफिस प्रबंधन के तहत डोर टू डोर कचरा संग्रह वार्डों के विकास के लिए पर काम हुआ, बल्कि पथ प्रकाश की व्यवस्था को सुधारा गया। हालांकि टाउन हॉल नगर परिषद का अपना कार्यालय सह प्रशासनिक भवन का निर्माण, छठ घाट का निर्माण सहित अनेक योजना का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रखा गया, लेकिन विविध कारणों से फलीभूत नहीं हो सका। इन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरा करने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में पुस्तकालय, लाइब्रेरी, पार्क तथा आसपास के छोटे ग्राउंड को डेवलप किया जाएगा एवं कब्रिस्तान और शमशान का सौंदर्यकरण और सभी में रोड आदि का निर्माण, वृक्षारोपण कार्य को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है, वेंडर जोन का निर्माण, शहरी गरीबों के लिए आवास एवं जल निकासी हेतु सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, वाटर सप्लाई, कचरा प्रबंधन और अन्य विकास कार्यों के लिए प्राथमिकता के साथ प्रयास किया जाएगा। साथ ही कला एवं संस्कृति, पर्यावरण सुधार, खेलकूद आदि को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नगर परिषद फुलवारी शरीफ इस उम्मीद के साथ ये बजट प्रस्तुत कर रहा है कि ये बजट शहर में ऐतिहासिक बदलाव का वाहक होगा। ये वर्ष 2022 व 2023-24 के अनुमानित प्रारंभिक अवशेष 3,50,71,761 रुपया और अनुमानित अपेक्षित आय अनुमानित आय 125,93,73,619 और अपेक्षित खर्च 125,83,10,319 रुपया आकलन किया गया है। इस प्रकार से ये 10,63,000 के आय का बजट, फायदा का लाभ का बजट। अब आय के साधन के संबंध में अभी हमारे श्रीवास्तव एसोसिएट के प्रतिनिधि ने आपको बताया है कि होल्डिंग कर से, विज्ञापन कर से, मनोरंजन कर से, मोबाइल कंपनी के मोबाइल टावर के आय से, मुद्रांक शुल्क से,
हाट बाजार से, फीस एवं यूजर चार्ज से, फॉर्म प्रकाशन से, डीओक्यू से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले पूंजी एवं राजस्व अनुदान, बैंक खातों के ब्याज और डिविजन। तो इस सब तरह से हमको आय आने की संभावना है और वे में हम लोगों ने रखा है नगर परिषद के फरवरी शरीफ के वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुल अनुमानित व्यय 125,83,10,319 रुपया जो रखा गया है, उसमें करीब 42,95,00,000 राजस्व व्यय के मद में और लगभग 82,87,00,000 पूंजीगत व्यय के मद में खर्च की जाएगी। इसकी विवरणी इस प्रकार है। स्थापना मद के अंतर्गत नगर परिषद के कर्मचारियों के लिए वेतन, मजदूरी, लाभ, भत्ते, पेंशन, पीएफ योगदान और सेवानिवृत्ति लाभ के लिए करीब 3,36,00,000 का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत कार्यालय रख रखाव का खर्च, संचार खर्च, किताबें, पत्रिकाएं, मुद्रण, लेखन सामग्री, यात्रा, वाहन, बीमा, अंकेक्षण, विज्ञापन, प्रकाशन एवं अन्य प्रकाशन पर प्रशासनिक मद के व्यय हेतु करीब 2,20,00,000 का प्रावधान किया गया। परिचालन एवं संरक्षण मद के अंतर्गत बिजली और ईंधन स्टोर की खपत, भाड़ा, मरम्मत, रख रखाव, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, नागरिक सुविधाएं, इमारतें, वाहन, अन्य रख रखाव के व्यय के लिए करीब 19,93,00,000 रुपये का उद्धन किया गया। कार्यक्रम संबंधी व्यय मद के अंतर्गत संक्रामक रोगों के नियंत्रण, रोकथाम के लिए फॉगिंग, छिड़काव, प्राकृतिक आपदा, स्वच्छ शहर के लिए विशेष अभियान, छठ, दिवाली एवं अन्य त्यौहार आदि पर सफाई गाँव लाभुक हेतु स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय निर्माण, कपिल अंत्येष्टि पूर्णम अनुदान में सबके लिए आवास योजना बहुत इम्पोर्टेंट है इत्यादि में करीब 17,45,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। कला संस्कृति एवं स्पोर्ट्स के प्रोत्साहन के लिए 60,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बजट में हमारे नगर परिषद के विकास के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, पूरा प्रावधान किया गया है। सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों का समुचित विकास हो और सभी लोगों को समस्त नागरिक सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें, इसका पूरा ख्याल बजट में रखा गया है। सरकार के तमाम निर्देशों का इसमें पालन किया गया है और ये बजट आने वाले समय में फुलवारी शरीफ नगर परिषद के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होगा। कुल 125,93,00,000 का ये बजट है और इस पर वे भी 125,83,00,000 करने का अनुमान है और 10,61,000 रुपये लाभ कह रहे हैं। इस पर नगर परिषद के सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया है। हम समझते हैं कि ये बजट फुलवारी शरीफ के लिए बहुत दूरगामी है। मुख्य इसमें क्या रहा सर? मुख्य रूप से देखिए, अधिकतर तो वही प्रावधान है जो पिछले बजट में प्रावधान थे, लेकिन दो वर्षों तक कोविड के असर प्रभाव के कारण पूरी तरह से उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो बजट है इसमें कला एवं संस्कृति, स्पोर्ट्स, इन लाइब्रेरी, पर्यावरण सुधार, इन सब चीज़ों को मुख्य रूप से इंट्रोड्यूस किया गया है, इस पर बल दिया गया है और तमाम जो गरीब शहरी, जो गरीब हैं, जो आवास विहीन लोग हैं, उनको आवास मुहैया कराने का एक बड़े पैमाने पर इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तो तमाम सड़क, गली, सफाई की पूरी व्यवस्था, आधुनिक जो सफाई की व्यवस्था है वो सब करने का, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सर्विस मैनेजमेंट, रोड का निर्माण, नाली का निर्माण, स्ट्रीट लाइट, इस जल आपूर्ति, इन सब चीज़ों का प्रावधान किया गया है। सभी नागरिक सुविधाएँ, आपात स्थिति से जो आपदा की स्थिति आती है उससे निपटने के लिए भी इसमें पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। जिस तरह से पहले भी हम लोगों ने किया है कोविड 19 के लिए या अन्य समय के लिए,
किसी तरह से इसको तैयार करो। आय व्यय में कितना खर्च है, कितना अंतर है? 10,63,000 रुपये का लाभ का मतलब 10,63,000। सर एक खास सवाल की आपने पैसा अगर है तो आप जमीन खरीद के भी, आपको अगर जरूरत है कुछ काम करने की उसमें जमीन खरीदने की जरूरत है तो आप खरीद नहीं सकते। तो हम लोग अभी जमीन पता करेंगे सरकारी के पहले प्रस्ताव बनता है उसके बाद तलाश शुरू होती है, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले खोज लिया जाए उसके बाद प्रस्ताव बने। पार्क का भी रखा गया इसमें? हाँ बिल्कुल। तो जहाँ स्कोप होगा, बहुत सारे छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पार्क का स्कोप है, बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ छोटे छोटे पार्कों का स्कोप है, बहुत छोटा छोटा मैदान टाइप का है जहाँ स्पोर्ट्स के लिए जगह उसको आप स्कोप है वहाँ पे। देखिए टेम्पो स्टैंड अब तो बड़े बड़े शहरों में स्टैंड का कंसेप्ट खत्म हो रहा है, बस रुकिए और बढ़ाइए। कलकत्ता में जैसे लोकल ट्रेन है बस चढ़िए और बढ़ते जाएगा। स्टैंड लगाने का जरूरत क्या है?